भाई स्टैंडर्ड और प्रीमियम में ना देखो वहाँ पे गेट दे रखा है, बीच में पार्टीशन है, आप उधर नहीं जा सकते प्रीमियम वाले में। ये आंटी से पूछ लेते हैं, आंटी कैसा लग रहा है आपको मेट्रो मेट्रो के और इसमें कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको? और भाई स्टैंडर्ड में देख लो फुटरेस्ट नहीं है, आपको इसी तरह से पैर आके बढ़ा के काम चलाना पड़ेगा। अरे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? इस बार हम काउंटर से टिकट नहीं ले रहे, इस बार हम ले रहे यहाँ से टिकट। हमें जाना है कहाँ तक? शहीद स्थल। अरे पागल, शहीद नहीं जाना, शहीद स्थल नहीं जाना, अब पहले तो गाजियाबाद जाना है ना, वापस ही जाएगी। अच्छा हाँ सॉरी यार, प्लीज डस्टबिन में डालिए इसको, साथ में कैरी मत करें, इसका कोई काम नहीं है, अब ये यूजलेस है, ऐसे करके इसको आप इसमें डाल दे, काम खत्म आपका। ओके जी, तो एक ऑनलाइन वीडियो की होगी शुरुआत, अभी फिलहाल है हम दुहाई स्टेशन पे, मतलब रैपिड मेट्रो का दुहाई स्टेशन है, इसके बाद दुहाई डिपो है, हम दुहाई तक आ गए थे, आपने देखा था लास्ट वीडियो में हम दुहाई तक आ गए थे, तो यहाँ से एक और वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ना मैं दिखाऊंगा स्टैंडर्ड कोच जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड कोच का जो नंबर है ना वो ज़्यादा है, प्रीमियम कोच जो था वो सिंगल एक था, उसके बाद वेमेंस कोच है वो भी स्टैंडर्ड में, उसके बाद जितने भी बाकी चार कोच हैं वो सारे स्टैंडर्ड हैं। और यहाँ भी अच्छी खासी पार्किंग की सुविधा, देखो यहाँ भी ब्लॉक बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर जगह है, देखो एरिया कितना बढ़िया डेवलप कर दिया इन्होंने, बहुत ही प्यारी जगह है। दुहाई पहुंच चुके हम फिलहाल, दुहाई से नया व्लॉग चालू करते हैं, तो सेम प्रोसीजर करते हैं, ऊपर जाके टिकट लेते हैं और फिर आगे की जर्नी करते हैं अपनी गाज़ियाबाद तक की, फिर वहाँ से वापसी रेड लाइन ले लेंगे, तो सबसे नियरेस्ट वहाँ से रेड लाइन गाज़ियाबाद के पास है, साहिबा वहाँ से आपको काफ़ी आना पड़ेगा ऑटो ऑटो लेके। तो ये एंट्री कर चुके हैं, ये रहा स्टेशन, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे फाइनली, एस्केलेटर की सुविधा है आपको, देखो जी यहाँ पे भी लिफ्ट की सुविधा है, यहाँ लिफ्ट से आ सकते हो, जहाँ से हमने एंट्री की उसके बगल में लिफ्ट बनी हुई थी, ये टिकट्स और प्लेटफॉर्म के लिए, और सब जगह पे ना इस तरह के प्लांट मिल जाएंगे आपको, तो एक अलग ही लुक दे रहे हैं ये। देखो यहाँ से राइट लेते हैं ना, सामने आपको रैपिड 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 दिखेगा सारा, यहाँ से राइट टिकट और स्ट्रेट जाना प्लेटफॉर्म के लिए, बाकी ये पूरा एरिया है, और ये अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड वाली कोई भी स्टेशन नहीं है यहाँ पे, सारे स्टेशन ऊपर ही बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर इलाका, मतलब मेट्रो वगैरह आने की वजह से ना सब सुंदर हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बाकी चलते हैं ऐसे टिकट काउंटर, काउंटर पे लेते हैं टिकट, इस बार वेंडिंग मशीन से लेंगे कॉइन, ये से वो डलेगा नोट, नोट डाल के देखते हैं, चल इस बार हम काउंटर से टिकट नहीं ले रहे, इस बार हम ले रहे यहाँ से टिकट, तो हमें जाना है कहाँ तक? शहीद स्थल। अरे पागल, शहीद नहीं जाना, शहीद स्थल नहीं जाना, अब पहले तो गाजियाबाद जाना है ना, वापस ही जाएगी। अच्छा हाँ सॉरी, इधर वो गाजियाबाद का था। भाई देखते हैं अपने पास नोट है, जाता है कि नहीं जाता, यहाँ पे हम बाई टिकट करने वाले हैं, अब हम प्रीमियम से नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड से, ठीक है, अब हमें जाना है गाजियाबाद, तो यहाँ आराम से आप गाजियाबाद सेलेक्ट करो, सेलेक्ट डेस्टिनेशन स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है गाजियाबाद, ठीक है हमें जाना है गाजियाबाद, सिंगल जर्नी करना है, रिटर्न नहीं करनी है, दो लोगों के लिए है, क्योंकि हमारी बड़ी बहन भी हमारे साथ है, और इस बार हम पेमेंट करेंगे बैंक नोट, प्लीज इंसर्ट द बैंक नोट फॉर पेमेंट। भाई अपने पास 30 तो नहीं, हाँ 60 रुपये हैं, तो वन बाय वन करना है, कहाँ से करना है? हाँ इसने खींच लिया भाई, नोट खींच लिया अंदर, और नीचे टिकट्स आ गई हैं। अबे यार टिकट कौन कौन सी हैं, ये देखो इतनी सारी लोगों ने टिकट भी जमा कर रखी है यहाँ पे, हमारी वाली यही है, तो जैसे कि हमारी इस बार स्टैंडर्ड टिकट है, ये बना हुआ प्रीमियम लॉन्च, हम मतलब प्रीमियम लॉन्च ही सब कह लो, प्रीमियम एरिया है, फर्स्ट कोच इधर ही आएगा, बाकी वीमेंस का है, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना पीछे, पीछे जाके हमने लेना है, और यहाँ पे हैं लोग अच्छे खासे वापसी जाने के लिए, उधर से लोग थे नहीं, और अभी इसका नेक्स्ट जो दिखा रहा है कितने बजे है, देखा पड़ गया टाइम, 2:02 था, अभी 2:03 हो गया, तो वहीं फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डामाडोल है, आते जाते रहते हैं, चलो किसी भी उसमें जा सकते हैं, स्टैंडर्ड है बाकी तो सारा, यहाँ से लेके वहाँ तक अभी टोटल 6 कोच आने वाले हैं, सब हमें ही देख रहे हैं, ये किससे बातें कर रहे हैं, 2:03 हो गए भाई, टाइम से आ गई, 2:04 का टाइम था, 2:03 पे आ गई है, और अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड वाले में, भाई दोबारा से वही है सेम, आपको प्रेस करना पड़ेगा और दरवाजे खुल गए, ये है आपका स्टैंडर्ड कोच, नहीं डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, देखो सबसे बात कुशनिंग का फ़र्क है, ये चीज़ें होती है पर ये पीछे से वो नहीं होती है, ये रेक्लाइनर नहीं है, ये नॉर्मल सीट है, देखो नॉर्मल है, आप पीछे नहीं जा सकते, आपके यहाँ बटन दे रखा है, कोई बटन नहीं है ना इधर और यहाँ पे, ना ही कोई बटन है, तो ये नॉर्मल है, पीछे जा नहीं सकते, और लगेज के लिए स्पेस देखो यहाँ भी है, चार्जिंग पावर के लिए वो नॉर्मल प्लग नहीं है, यहाँ पे USB दे रखा है बस नॉर्मल, बाकी हाँ ये सेम है जो लगेज वाला स्पेस है, बाकी पूरा कनेक्टेड है स्टैंडर्ड वाला सारा, प्रीमियम वाले में आप जा नहीं सकते, कि भाई स्टैंडर्ड और प्रीमियम में ना देखो वहाँ पे गेट दे रखा है, बीच में
बीच में पार्टीशन है, आप उधर नहीं जा सकते प्रीमियम वाले में। भाई आंटी से पूछ लेते, आंटी कैसा लग रहा है आपको मेट्रो मेट्रो के और इसमें कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको? आप मेट्रो में सफ़र किया है आपने? बहुत ज़्यादा किया है। और उसके कंपैरिजन में ये कैसी है? कंपैरिजन में ये तो सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट है, सीट्स का फ़र्क है, कंफर्टेबल है, सीट्स का फ़र्क है। और अब जब ये लॉन्ग रूट पर चालू हो जाएगी अपनी मेरठ तक, फिर तो प्लस पॉइंट है, है ना? है ना? हाँ बच्चे, क्या कहना चाहते हो आप? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ट्रेन, नाइस ट्रेन, ठीक है आंटी, थैंक यू। अरे हमारे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, फाइनली स्टैंडर्ड में बैठ के अच्छा लग रहा है कि प्रीमियम अच्छा था? प्रीमियम में थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा थी, बस कोल्ड नहीं थी, कोल्ड कॉफी के नाम पे वो हॉट कॉफी थी। और यहाँ पे भी लेडीज वगैरह के अलग से नंबरिंग दे रखी है। सोच के आगे क्या बोलना है, फटाफट बोलो। फास्ट फास्ट, हाँ बाकी। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने मेट्रो में सफर किया है ना? पक्का? हाँ, बहुत बार किया है ना? हाँ। इस रूट पे आप क्यों आए हो आज? सिर्फ मेट्रो देखने आए हो? रैपिड फास्ट है, ओके ओके ओके। एक्सपीरियंस है अलग अलग। बाकी इधर तो थोड़ा क्राउड मेरे को दिखा, मेरे को स्टैंडर्ड में क्राउड ज्यादा दिखा ना, क्या कह रही है? स्टैंडर्ड में क्राउड ज्यादा। क्या साई बाबा आ गया क्या? वही तो कह रही हूं, मैं नेक्स्ट ईयर आई। वो अभी क्या, जितनी देर में बात कर रहा था लोगों से, अभी क्या साई बाबा उधर आया है अभी? अच्छा अभी, अच्छा हाँ वो रिंदा, देखो ट्रेन बनी हुई है यहाँ पे, हम आपको दिखा दूँ। अभी गुलदार आएगा, फिर आगे गाजियाबाद आएगा, हमें गाजियाबाद उतरना है, साहिबाबाद नहीं उतरना, सॉरी। और बाकी सीट चाहिए थी, देखो ड्यूल वाली, दो लोग यहाँ पे, दो लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। बाकी कनेक्टिंग है सेम इधर ही, दो लोग इधर, देखो बाकी चेयर कार का पूरा लुक है, सिंगल सीटिंग है यहाँ पे। और होल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जब भीड़ हो जाएगी तो इसका यूज़ होगा। फिलहाल तो सीटें सबको मिल रही हैं क्योंकि अभी खाली है, तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट वन इज़ गाज़ियाबाद। और भाई स्टैंडर्ड में देख लो, फुटरेस्ट नहीं है, आपको इसी तरह से पैर आके बढ़ा के काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाली सीटों पर ये बेड बने हुए इस तरह से। और ये नॉर्मल है, एक मैगजीन के लिए, मैगजीन क्या है, नॉर्मल आप फ़ोन रख सकते हो, अगर आप चार्ज कर रहे हो तो फोन रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पकड़ने के लिए ये सेम चीज़ है, मैगजीन वाला कुछ भी नहीं है। और सीटिंग मेरे को लगा सीट में ना थोड़ा सा स्पेस भी कम है यहाँ पे, मतलब थोड़ा स्पेस कम है वहाँ के हिसाब से ना, बाकी सेंटर में स्पेस अच्छा खासा है। बाकी नेक्स्ट अपना आई गया साहिबाबाद, फिर से चार मिनट में आ गई है, अप्रॉक्सीमेटली चार साढ़े चार मिनट ही लगते हैं अभी। बाकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी, फ्रीक्वेंसी का इशू है, फ्रीक्वेंसी अभी कम है क्योंकि इतना रश नहीं है, पैसेंजर है नहीं उतना ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ ये है कि फिर भी चार से पाँच मिनट में अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है ना, चार पाँच मिनट में तो आ ही रही है क्या, फिर भी ठीक है उस हिसाब से। तो ये सफर समाप्ति की तरफ है हमारा, स्टैंडर्ड कोच में ये था सफर हमारा। फिलहाल बाहर निकल के देख लेते हैं, अभी दिखेगा तो वही सब कुछ जो पहले वाले वीडियो में दिखा था, बट हो सकता है कुछ नया दिख जाए। और भी चल चुका है ये फाइनल, देखो यहाँ से हमें एग्जिट करना है, ठीक है आंटी बाय। ओके जी बाहर निकल चुके हैं फाइनली, और यहाँ फील नहीं आ रही क्योंकि नॉर्मल था, स्टैंडर्ड ही है ये, तो प्रीमियम तो आ गई है। जैसे वहाँ निकले तो एक प्रीमियम वाले का जो अलग से सेगमेंट बना हुआ था ना, वो नहीं है। और यहाँ से हमें नीचे जाना है, कहाँ नीचे जाने का है भाई, एक ही वो बना रखा है, और पूरे स्टेशन पे ये ऊपर आने के लिए है और नीचे जाने के बस एक ही है। देखो भाई जाने वाली है, बाय बाय, अभी आगे जाएगी साहिबाबाद की तरफ, और ऑन टाइम है। देखो भाई बाय भाई, स्टार्टिंग का जो साउंड है ना वो सेम है मेट्रो जैसा, नॉइज़ है बट ठीक है, उतना लोड भी तो ले रही है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। भाई ट्रेन का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बाकी बहुत लोग आए हैं, मैक्सिमम लोग तो आज बस इसलिए आए हैं कि भाई एक्सप्लोर कर ले, देख ले कि यार कुछ आ गया है हमारे इंडिया में कुछ नया, तो भाई हम कैसे पीछे रहें, तो मतलब मैक्सिमम लोग यही सोच के आए कि वो पीछे कैसे रहें, तो वो भी आए एक्सप्लोर करने। एक तो आंटी जो मिली थी हमें वो मोदी नगर की थी, मोदीपुरम नहीं, मोदीपुरम तो लास्ट है, वो भी चालू नहीं हुई, मोदी नगर से आए थे, तो एक्सप्लोर करने गए अभी साहिबाबाद, फिर वापस जाएंगे। इसी तरह से लोग आए हैं। बाकी देखो जी एयरपोर्ट वाले की तरह पूरा फील आ रहा है आपको, तो कितना खुला खुला है यार, देखो ऊपर ये गलत लगा रखा, गलत नहीं यार ठीक है, वैसे कबूतर बैठ जाते हैं यहाँ पे, और स्पेस है भाई अच्छा खासा, और हमें एग्ज़िट करना है वहाँ से, बाहर जाना है एग्ज़िट, इधर भी है तो एग्ज़िट बने हुए हैं, हमें फिलहाल एग्ज़िट करना है और पकड़नी रेड लाइन घर जाने के लिए। इट्स टाइम टू टेक एग्ज़िट फाइनली, इसको यहाँ पे हमें ऐसे करना है और हमें बाहर जाना है। और यहाँ पे डस्टबिन कहाँ है, ये रहा लेफ्ट साइड पे डस्टबिन आपका, इसको डस्टबिन में डालिए यार, प्लीज़ डस्टबिन में डालिए, इसको साथ में कैरी मत करें, इसका कोई काम नहीं है अब, ये यूज़लेस है, ऐसे करके इसको आप इसमें डाल दें, काम खत्म आपका। और टिकट वेंडिंग मशीन पे भाई भीड़ हो चुकी है, लोग ले रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है इस बार
टिकट वेंडिंग मशीन में यूपीआई ऐड कर दिया गया है और यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में क्या होता है ना, कभी कभी नोट बाहर कर देगा, कभी नोट वो फेंक देगा क्योंकि बेकार नोट। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमने तो सफ़र कर लिया, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। भाई मैं आपको दिखा दूँ, गाज़ियाबाद के लिए एक पहला एस्केलेटर पकड़ना पड़ेगा, आपको फिर दूसरा पकड़ना पड़ेगा, और फिर अभी एक नीचे तीसरा भी जा रहा है, क्योंकि हम जब उससे आए थे ना तो पता नहीं लगा एकदम से कौन क्रॉस पे आ गए थे। तो अभी वही वाला हाल है जैसे कश्मीरी गेट है ना, काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, वैसे ही काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। और अच्छी बात है ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है तो ऑप्शन मिल जाते हैं आने वाले समय के लिए, कि अगर कोई हाईवे निकालना है, कोई बाईपास निकालना है, ईजी हो जाता है। बाकी साफ़ सफाई तो देखो बहुत है, और स्पेस इतना तमाम स्पेस है ना, कितनी भी गैदरिंग हो जाए, मतलब कितनी भी भीड़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इनको, पूरा गाज़ियाबाद आ जाएगा यहाँ पे, नहीं मजाक से हट के। और ये अभी लास्ट है मेरे ख्याल से, लास्ट है ना ये लास्ट है भाई, यहाँ से फिर एग्जिट करेंगे। हमने एंट्री उधर से करी थी, तो मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ गाज़ियाबाद वाली एग्जिट पे, हम करते करते स्टेशन एंटर से को यहाँ से चार। फिलहाल हम बाहर आ गए हैं और ये है कौन सा स्टेशन, हाँ गाज़ियाबाद। ये देखो गाज़ियाबाद की एंट्री, हम यहाँ से आए थे, उधर से हमने लिफ्ट पकड़ ली थी, एक्चुअली उधर लिफ्ट है, यहाँ से हमने एंट्री करी थी, मतलब यहाँ से हमने एंट्री नहीं करी, अब आपको दिखा रहा हूँ एंट्री हमने वहाँ से करी थी। बहुत ही बढ़िया रहा सफ़र, इधर से हमें रेड लाइन के लिए जाना है। तो रैपिड ब्लॉग था ये भी एक तरह से, रैपिड का ब्लॉग, रैपिड तरीके से हमने शूट किया, फटाफट गए और आए। तो ये सेकेंड ब्लॉग था जिसमें हमने स्टैंडर्ड कोच का दिखाया। तो चलो फिर, एक्साइटमेंट जो थी वो फुलफिल हो चुकी है और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, और भी आगे जब ये फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा ना तो फिर वीडियो शूट करेंगे बढ़िया सा, या फिर ट्रैवल करेंगे फिर से, एक जर्नी दिखाएंगे आपको। और अगर ये मेरठ तक चालू हो गया ना तो वो तो पक्का जाना मेरठ के पकौड़े खा के आने। अब जा रहे हैं रेड लाइन पकड़ने, और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट में अपने थॉट्स बताना, और क्या भाई मेरे भाई का चैनल यार, बड़ी सिस्टर थी हमारी, मेरी कज़न है, तो भाई इसके साथ आ गए थे क्योंकि इधर ही रहती है यूपी में ही। तुमने कहा चल फटाफट से ना, तेरे एरिया में मेट्रो चालू हुई है तो हम भी शूट करके आ रहे, वाला संडे का दिन मिला था हमें प्रॉपर, हमने शूट कर लिया भाई। ठीक है भाई, वाली पार्किंग वापस हमें वापस जाना रेड लाइन की तरफ। ठीक है फिर, नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में सिर्फ चार रोमन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।